सो गाइस तो कैसे आप लोग, तो गाइस मेरा नेम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं टेक स्टूडियो। तो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि आपने थंबनेल या टाइटल रीड किया होगा कि 2021 के अंदर यूट्यूब बहुत ही मतलब तेजी से चैनल डिमोनेटाइज कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या क्या रीजन है, तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखना कि आप ऐसी मिस्टेक ना करें ताकि आपका चैनल मोनेटाइजेशन बना रहे और मोनेटाइजेशन डिसेबल ना हो। तो चलिए गाइस करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट, और इस वीडियो के अंदर सभी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन है तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रीयूज कंटेंट आप मतलब अपने चैनल पे मत अपलोड करना। रीयूज का मतलब है कि आप किसी की वीडियो उठाकर अपने चैनल पर मत डालना अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन है। अगर मोनेटाइजेशन नहीं है तब भी आप किसी और की वीडियो उठाकर मत डालना, क्योंकि फिर आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा। तो रीयूज कंटेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी किसी और अदर कैटेगरी का चैनल है, यानी फिर किसी और अदर यूट्यूब चैनल का नेम है, उससे आप कोई वीडियो उठा रहे हो और अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हो, तो उसको रीयूज कंटेंट माना जाता है। अगर आप किसी की क्लिप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, उस कंटेंट को थोड़ा मॉडिफाइड करना होगा। मॉडिफाइड कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप उसके अंदर कमेंट्री कर सकते हैं, और कमेंट्री से और अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा फेस मतलब उसके अंदर अपना दिखा सकते हो। तो बीच बीच में छोटी छोटी क्लिप आप यूज कर सकते हो, कंप्लीट क्लिप आपको यूज़ नहीं करनी है, कुछ ही सेकंड की आप यूज कर सकते हो, ये YouTube खुद बोलता है, बट आपको मॉडिफाइड करके रखनी होगी। कंप्लीट वैसी की वैसी वीडियो आप अपने चैनल पे अपलोड मत करना, वरना वो रीयूज कंटेंट के अंदर चली जाएगी। एंड सेकंड बात बताता हूँ कि दूसरा कारण कौन सा है 2021 के अंदर जो कि YouTube तेजी से चैनल को डिमोनेटाइज कर रहा है। तो दूसरा मेन कारण मेरे सामने आया है एडसेंस का, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा कि फिक्स इन एडसेंस एरर आ रखा वहाँ पे। तो उसका क्या हुआ था कि उन्होंने ना ही कोई रीयूज कंटेंट यूज़ किया था और ना ही किसी और की वीडियो उठाकर अपने चैनल पर डाली थी। तो उन्होंने किया क्या, तो उन्होंने ये किया कि उसके चैनल पर $10 कंप्लीट हो चुके थे, और उसने एडसेंस के अंदर बिजनेस वाला जो टाइप होता है, बिजनेस होता है, एक इंडिविजुअल होता है, तो उसने बिजनेस चूज करके रखा होता है एडसेंस के अंदर। तो उसके अंदर एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो वो उस सर्टिफिकेट को बनाने में शायद थोड़ा लेट हो गए और वो अभी तक अपलोड नहीं कर पाए थे, और कम से कम उसके $10 हो गए 3 या 4 महीने के आसपास हो गए थे, और अब तक उसने वेरिफिकेशन एडसेंस के ऊपर कंप्लीट नहीं कराई थी। तो उसका क्या हुआ कि मोनेटाइजेशन को पॉज कर दिया गया, और मोनेटाइजेशन को मतलब कंटिन्यू फिर करेंगे जब वो सर्टिफिकेट अपलोड कर देगा। तो आप भी ऐसी गलती मत करना कि आपको भी मतलब बिजनेस अकाउंट अगर आपने कर रखा हो और अभी तक वेरिफिकेशन नहीं कराई हो, तो आप ऐसी गलती मत करना। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि उस एडसेंस को वहाँ से हटा दें और दोबारा से कोई इंडिविजुअल अकाउंट वहाँ पर ऐड कर दें, अगर आपके पास सर्टिफिकेट तैयार नहीं हो रहा हो। तो गाइस जैसे कि आपने दोनों जानकारी बहुत ही अच्छे से सुनी होगी, तो आपको पता लग गया होगा कि क्या क्या कारण है 2021 के अंदर जो कि YouTube सबसे ज़्यादा चैनल को डिमोनेटाइज कर रहा है। तो एक और सामने खबर सुनी आई है कि जो कमेंटेटर होते हैं मतलब कमेंट्री करते हैं किसी वीडियो पर और अपना फेस रिवील नहीं करते, तो उन लोगों के चैनल पे मोनेटाइजेशन होने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। यूट्यूब ज़्यादा सतर्क हो रहा है, यूट्यूब की सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ रही है, तो यूट्यूब ऐसा कह रहा है कि अपना फेस दिखाओ और कमेंट्री से हम नहीं मानेंगे। तो बेहतर रहेगा कि आप अपना फेस दिखाकर यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करें, तो आपका जल्दी ही मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। जो भी आपने वीडियो कंप्लीट देखा होगा तो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और साथ में एक मेरी वेबसाइट की लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप थोड़ी प्रोफेशनल टिप्स देख सकते हैं यूट्यूब की। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।